नमस्कार, आप देख रहे हैं निमेश न्यूज़। मैं आपके साथ बबलू किलोरिया। नीमच नगर पालिका का अमला अंबेडकर कॉलोनी में पहुंचा, जहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होना थी, लेकिन रहवासियों के विरोध के चलते नगर पालिका का अमला बेरंग लौट गया है। दरअसल वार्ड क्रमांक 18 क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अंबेडकर कॉलोनी में 6/32 चौराहे के यहाँ पर सड़क का निर्माण होना है, जहाँ पर कुछ लोगों ने सड़क पर पक्का अतिक्रमण कर रखा है, जिसके चलते नगरपालिका का अमला उसे हटाने के लिए पहुंचा था, लेकिन रहवासियों के विरोध के चलते वह बेरंग लौट गया है। वहां के रहवासियों का कहना है कि नगरपालिका को चाहिए कि उसकी दीवारों के समीप से सड़क बनाना शुरू करे, ना कि अतिक्रमण तोड़कर यह कार्रवाई करे, क्योंकि यहाँ पर गरीब वर्ग रहता है, जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत कर यह पक्का निर्माण किया है। वहीं इस मामले को लेकर जो क्षेत्रीय पार्षद हैं, उनका कहना है कि नगर पालिका का अमला सड़क निर्माण में जो अवैध अतिक्रमण बाधा बन रहा है, उसे हटाने के लिए पहुंचा था, लेकिन वह बेरंग लौट गया है। वहीं इनको अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस दिए गए हैं, आने वाले समय में यहां पर अतिक्रमण हटाकर सड़क का निर्माण किया जाएगा। जिले से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एनएमएच न्यूज़। रोड निर्माण को लेकर के नगर पालिका की टीम बुलाई गई थी, आज आपके द्वारा विरोध किया गया है, क्या कहना है आप लोगों का? और यहाँ पर पार्षद कह रहा है कि अतिक्रमण ज़्यादा है, जिसको हटा करके ही रोड निर्माण होगा, तो आपका क्या विरोध है? हमारा विरोध ये है कि जैसा है वैसा रहने दीजिए, कई गरीब लोगों के हैं वो टूट जाएंगे और वो नहीं बना पाएंगे। तो क्या माना जाए, नगर पालिका अगर आती है तो जैसे आज बेरंग लोटी वैसे ही अगली बार भी करेंगे? आपका विरोध है इस कार्य को लेकर? क्या नाम है आपका? गायत्री जी। गायत्री में आप लोग आए थे लेआउट और रोड निर्माण के मामले को लेकर के, यहाँ पर जो है विरोध देखने को मिल रहा है, किस बात का विरोध है और क्या अतिक्रमण यहाँ पर देखने को जा रहा है? यहाँ पर क्या है कि 6/32 चौराहे पे सीसी रोड का निर्माण किया जाता था, जिसके लिए हम लेआउट देने आए थे, तो यहाँ पर अतिक्रमण भी है, जिसके लिए हमने सूचना पत्र भी जारी करवाए थे, परंतु इनके द्वारा कोई अभी तक वर्तमान में हटाए नहीं गए अतिक्रमण, और यहाँ पर विरोध हो रहा है, जिसके लिए हम यहाँ पर अभी लेआउट प्लान करने आए थे। आगामी और कुछ होता है तो इनको सूचना पत्र जारी करके आगे निर्माण कार्य प्रारंभ करवाएंगे। तो आज किस प्रकार से जो है यहाँ पर कार्रवाई रोक दी गई है, क्या है? क्योंकि क्या है कि प्रथम सूचना पत्र अभी दिया था, सेकंड और जारी करवा के प्रशासन के साथ जैसा भी उसका लेआउट प्लान करके सीते रोड का निर्माण कराएंगे। क्या माना जाए, अतिक्रमण हटेगा यहाँ से? हाँ, कुछ लोग तो तैयार है, कुछ विरोध कर रहे हैं, तो हो सकता है एक प्रशासन के साथ रह के हट सकता है। आपका नाम? और अमूल मोहरे, सब इंजीनियर, नगर पालिका। ठीक है।